हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। वेलकम इन काव्य ट्यूटोरियल्स। सो बिफोर समर वेकेशन वी हैव डन यूनिट 1, 2 एंड 3 फ्रॉम एनसीईआरटी 8th मैथ्स। नाउ इट इज स्टडी टाइम अगेन, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4। इन यूनिट 4 वी विल डू बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ पॉलीगन्स। नेम ऑफ द यूनिट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। And in this unit, we will cover construction of polygons, different polygons, okay, like square, rectangle, parallelogram, rhombus, etc. Okay, so for drawing, for construction of polygons, we need to know 5 basic things. कोई भी 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वह sides हों, diagonals हों या angles हों, यानी कि quadrilateral के बारे में आपको 5 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉ द पॉलीगन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना है। इन इट ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी। ओके, सो 5 थिंग्स आर गिवन। ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम। पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। तो हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया एंड ए बी, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम कंस्ट्रक्शन का इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे ए बी सी डी, देन आपको अगर ए बी आपने इस डायरेक्शन में आपने मूव करना स्टार्ट किया है, तो ए बी सी आपको यहीं पे लिखना है। ए बी क्रॉस करके सी यहां नहीं लिख सकते, ठीक है? ए बी सी डी, दैट विल रॉन्ग। ए बी सी डी, अगर आप ऐसे जाते हैं ए बी सी डी, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बाहर बाहर घूमना है। ओके, सो मैंने यहां से नाम इसको दिया है ए बी सी एंड डी। ए बी 4.5, मतलब नीचे वाली जो साइड है वो 4.5 होगी। बी सी 5.5, बी सी ये 5.5 होगी। सी डी, सी डी ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। एंड ए डी, ए डी ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। देन ए सी 7 सेंटीमीटर। ए सी ये जो डायगोनल है ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें आपके पास 5 चीजें आ गई, 4 साइड्स आ गई हैं और एक इसका डायगोनल आ गया है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर कंस्ट्रक्शन यू नीड अ कंपस, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर एंड पेन। ओके, तो सबसे पहले जो नीचे की लाइन है ए बी, वो 4.5 है। तो आप अपनी स्केल को सेट करके और एक 4.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन 4.5 की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ए एंड बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड बी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो ये ए और बी है ये आपकी लाइन के टच ना हो। देन 4.5, देन राइट है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, देन बी से जो सी है दिस डिस्टेंस इज 5.5 और ए से जो सी है दिस डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो ये 5.5 है, तो स्केल के ऊपर हम 5.5 कंपास अपना मेजर कर लेंगे, यानी कि एक साइड हम 5.5 पे रखेंगे कंपास को और पेंसिल की नोक को हम 0 पे रखेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी ओपनिंग हो गई, 5.5। अब बी पे रख के कंपास को और आप यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये आर्क हो गया 5.5 के डिस्टेंस के ऊपर। देन ए से सी 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप इसको 7 सेंटीमीटर पे रख के और इसको 0 तक ओपन कर देंगे, तो ये आर्क आपका 7 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहां पे ए पे कंपास को हम रख के और ये दूसरी वाली आर्क लगाएंगे, पहले वाली आर्क को कट करेंगे, तो ये एक कट करने पे जो पॉइंट आया है आपका, ये पॉइंट हो गया आपका सी। नाउ जॉइन बी एंड सी।
and join A and C. ओके नाउ सी से जो डी का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे 4, और ये सी पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे. ओके नाउ ए टू डी इट इज 6 सेंटीमीटर, सो ओपन द कंपास अप टू 6 सेंटीमीटर. ओके एंड ए पे रख के कंपास को और पहले वाली आर्क को कट कर देंगे. जो भी आपकी एक्स्ट्रा आर्क है उसको आप इरेज कर देंगे. नाउ यहां पे जो आपके पास कट का पॉइंट आया है, आर्क ने जहां पे कट किया ये पॉइंट आपका डी है. ठीक है नाउ जॉइन डी एंड सी. Then join A and D. Right here 7 centimeter. Here 5.5 centimeter. Here 4 centimeter. And here 6 centimeter. So friends, your construction is ready. Now we need to write the steps. So steps are ready. Let's see. सबसे पहले आपने ए बी लाइन ड्रॉ की थी, तो पहला स्टेप है ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ओके सेकेंड स्टेप आपने बी से यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था. ओके देन विद रेडियस 5.5. अब इसको रेडियस क्यों कहा है, बिकॉज जब आपने कंपास को यहाँ रखा था और इसको इतना ओपन किया था, तो ये हम जो सर्किल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो जितना कंपास ओपन होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है. तो विद रेडियस 5.5 ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी, यानी बी से एक आर्क ड्रॉ करनी है. थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया था, ए से आर्क लगाई थी, तो विद रेडियस 7 सेंटीमीटर draw an arc from A. A से arc draw करनी है which intersect the previous arc, जो पहले वाली arc को cut करेगा at C, यानी कि जहां पे cut कर रहा है उसको आपने C नाम दे दिया. Fourth step आपने क्या किया था, join BC and AC. BC और AC को join किया था. Then step number 5, with radius 4 centimeter draw an arc from C. ये वाला C से हमने 4 centimeter का arc draw किया था. Then विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए, ये वाला, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट डी, इन दोनों ने कट के यहां पे हमने इसको डी नाम दिया था. देन जॉइन सी डी एंड ए डी, फिर हमने सी डी और ए डी को ज्वाइन किया था. एंड लास्ट स्टेप है आपका ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट.